रमजान सब्र का महीना है और सब्र के बदले जन्नत है। तो हे गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप होंगे खैरियत से। तो वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल अलियास, में दोबारा फिर से आपका वेलकम है। दोस्तों, अभी आपने जो स्क्रीन पे वीडियो देखी, ये वीडियो मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक के रील पे स्टोरी लगाई थी। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि अलियास भी हम इस तरह की वीडियो कैसे बना सकते हैं, और जो आपने बैकग्राउंड यूज़ किया है उसका लिंक भी हमें दे दे। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो का ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आ चुका हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो में जिस बैकग्राउंड का यूज़ करने वाला हूँ उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। म्यूजिक लिंक और ऐप लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इजिली आप वहाँ जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक, ताकि आने वाली हर वीडियो भी आप तक आराम से पहुंच सके। दोस्तों, इससे पहले मैंने ये दो वीडियो बनाई है जो कि आपको थंबनेल नजर आ रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इजीली ऊपर आई वाले बटन में इसकी लिंक दे दूंगा। और दोस्तों, ये वीडियो मैं आपको स्क्रीन में भी दे दूंगा, तो आप इजीली इसको भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम बिना बहस के अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ वीडियो कैसे शूट करनी है, हमें एडिटिंग कैसे करनी है। तो लेट्स मूव, चलिए मोबाइल स्क्रीन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ आ चुका हूँ। आपको काइनमास्टर को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डाउनलोड करने के बाद सिंपली इसको ओपन कर देंगे। इसके यहाँ से क्रिएट न्यू में जाएंगे हम, और दोस्तों यहाँ से इस फ्रेम को सिलेक्ट करके और यहाँ से कर देंगे नेक्स्ट। इसके बाद दोस्तों, आपको इस वीडियो को सिलेक्ट करना है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, एक मतलब इस वीडियो पर सिलेक्ट करेंगे हम, और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से इस वाले ऑप्शन में जाएंगे और एक मतलब इसको हम सिलेक्ट करेंगे, और दोस्तों इसको दो फिंगर से हम कर देंगे जूम। इसके बाद दोस्तों यहाँ से कर देंगे ओके। ओके करने के बाद दोस्तों आप लेयर में जाएंगे, लेयर में जाने के बाद दोस्तों आप गैलरी में जाएंगे, और दोस्तों आपको अपनी उस वीडियो को सिलेक्ट करना है जो कि आपको नॉर्मल शूट करनी है। तो वीडियो आपको किस तरह शूट करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरी ये वाली वीडियो है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से कर दूँगा ओके। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो हमारी आके ऐड हो चुकी है। तो हम यहाँ से इसको पकड़ेंगे और उसको जूम कर देंगे स्क्रीन के मुताबिक कर देंगे। और दोस्तों, अभी मैं वीडियो को प्ले करता हूँ, आप यहाँ पर देख लें आपको वीडियो किस तरह से शूट करनी है। रमजान सब्र का महीना है और सब्र के बदले जन्नत है। दोस्तों, कुछ इस तरह से वीडियो को शूट कर लेनी है आपने। वीडियो को शूट करने के बाद दोस्तों, आप वीडियो को शुरू में आएंगे, एक मतलब इस वीडियो पे हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको क्रोमा की वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने क्रोमा की में जाना है। क्रोमा की में जाने के बाद दोस्तों, आपने इसको कर देना ऑन। ऑन करने के बाद दोस्तों, इसको आप यहाँ से कर देंगे एडजस्ट अपने हिसाब से, ताकि जो हमारा ग्रीन पार्ट है वो ठीक तरह से रिमूव हो जाए। तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं हमारा ग्रीन पार्ट जो है वो खत्म हो चुका है। इसके बाद दोस्तों, हम यहां से कर देंगे ओके। ओके करने के बाद दोस्तों, हम वीडियो को थोड़ा सा आगे करेंगे, तकरीबन इस पोजीशन पे हम आएंगे। इसके बाद दोस्तों, हम लेयर में जाएंगे, लेयर में जाने के बाद दोस्तों गैलरी में जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, इस इमेज को सिलेक्ट करना है, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हम इसको यहाँ से कर देंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर हमें क्रॉप वाला ऑप्शन मिल जाता है, इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद दोस्तों, उसको हम क्रॉप कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, हम यहाँ से कर देंगे ओके। करने के बाद दोस्तों, एक मतलब हम इस पिक पर सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर हमें ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन मिल जाता है, तो इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद दोस्तों, यहाँ से हम जाएंगे स्क्रीन में। स्क्रीन में जाने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो से इसका ब्लैक पार्ट है वो खत्म हो चुका है। इसके बाद दोस्तों, हम इसको थोड़ा सा कर देंगे छोटा और इसको ला के इधर रख देंगे। ये करने के बाद दोस्तों, इसका लेंथ जो है हम वीडियो के आखिर तक कर लेंगे, जितनी हमारी वीडियो होगी। तो हमारी वीडियो इतनी है, हम इसको इतना ही कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, हम वीडियो को शुरू में आएंगे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ से कर देंगे ओके। ओके करने के बाद दोस्तों, अगेन हम इस वाली पिक पे सेलेक्ट करेंगे, और दोस्तों यहाँ से आपको चाबी वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, सिंपली आपने इसमें जाना है। इसके बाद दोस्तों, हम वीडियो को थोड़ा सा आगे करेंगे, तकरीबन इतना आगे करेंगे जब आपके हाथ यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, एक मतलब प्लस पर क्लिक करेंगे और उसको दोस्तों हम जूम कर देंगे इतना, और उसको ला के सेंटर में रख देंगे। ये करने के बाद दोस्तों, यहाँ से कर देंगे ओके। ओके करने के बाद दोस्तों, हम आखिर में जाएंगे जहाँ तक हमारी वीडियो की, हमारी वीडियो इतनी है, ऊपर वाले बैकग्राउंड पे हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से जाएंगे स्प्लिट में। इसके बाद दोस्तों, आप यहाँ से कर देंगे ट्रिम टू राइट। इसके बाद दोस्तों, हम इस पिक पे सेलेक्ट करेंगे, इसको वीडियो के मुताबिक कर देंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। ओके करने के बाद दोस्तों, हम वीडियो को एक मतलब एक्सपोर्ट करेंगे। फिर दोस्तों, हमें वीडियो में कलर को लगाना है, तो वीडियो में कलर को लगाने के लिए दोस्तों, सबसे पहले हम वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो हमारी एक्सपोर्ट हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों, हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद दोस्तों, आपको इनशूट में जाना है, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसको मैं सिंपली ओपन कर दूंगा। ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ से हम जाएंगे वीडियो में। वीडियो में जाने के बाद दोस्तों, यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन में जाएंगे, और दोस्तों आपको उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जो भी हमने काइनमास्टर से एक्सपोर्ट की है। तो मेरी ये वाली वीडियो है, तो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से कर दूंगा ओके। इसके बाद दोस्तों, एक मतलब हम वीडियो पर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको फिल्टर वाला ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली आप इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद दोस्तों, एडजस्ट में जाएंगे यहाँ से। इसके बाद दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर ब्राइटनेस वाला ऑप्शन मिल जाता है, इसको थोड़ा सा हम हाई कर देंगे, तकरीबन 5 पे रख लेंगे। ये करने के बाद दोस्तों, यहाँ से आपने जाना सैचुरेशन में, इसको भी हाई कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, आपने यहाँ से आगे जाना, आप इस वाले ऑप्शन में जाएंगे, इसको भी थोड़ा सा हाई कर देंगे। दोस्तों, आप अपने हिसाब से कर लेना आगे पीछे करके, जो आपकी वीडियो पर शूट करे। तो मैं कर लेता हूँ अपनी मर्जी से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं,
दोस्तों आपने अपनी वीडियो में ये कलर वाला ऑप्शन जो है इसको ज़रूर यूज़ करना है, तो उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। यूज़ करने के बाद दोस्तों आपने इस वाले कलर को लगा देना है और इसको थोड़ा सा लो कर देंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा और आगे जाएंगे, इसके बाद दोस्तों इस वाले ऑप्शन में जाएंगे, इसको भी हाई कर देंगे और यहाँ से कर दूंगा ओके। तो दोस्तों वीडियो हमारी बनके तैयार हो चुकी है, तो मैं वीडियो को प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। रमजान सब्र का महीना है और सब्र के बदले जन्नत है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वीडियो हमारी बहुत ही अच्छी बन चुकी है। तो वीडियो को एक्सप्लोर करने के लिए दोस्तों हम यहाँ जाएंगे सेव वाले ऑप्शन में और दोस्तों यहाँ से पिक्चर को HD में सेलेक्ट करके उसे कर देंगे सेव, जिससे कि वीडियो हमारी एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। आई होप कि दोस्तों आप समझ गए होंगे आपको किस तरह से वीडियो को एडिट करना है और किस तरह से वीडियो को शूट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दे लाइक और चैनल कर दे सब्सक्राइब। दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताए नेक्स्ट ट्यूटोरियल आपको किस वीडियो में चाहिए, उस वीडियो का ट्यूटोरियल भी आपको मिल जाएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।